यह क्वेश्चन मास्टरमाइंड मॉडल 2024 के पेज 127 पर नमक क्वेश्चन है। तो देखिए, 40 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उभय अवतल, तो इसकी वक्रता त्रिज्या लिख लेंगे। उभय अवतल मतलब अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या। तो हम ऐसा करते हैं कि उभय अवतल लेंस में देखते हैं पहले। तो उभय अवतल लेंस में, तो उभय अवतल लेंस जो होता है वो अवतल लेंस ही होता है। तो देखें, ये उभय अवतल या अवतल लेंस है। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मुख अक्ष यह है, तो इसमें रेडियस त्रिज्या जो होगी एक इधर होगी बाईं ओर। तो बाईं ओर जो रेडियस होगी उसे ऋणात्मक लेते हैं और दाईं ओर रेडियस को धनात्मक लेते हैं, दाईं ओर को धनात्मक। इस प्रकाश केंद्र पी से बाईं ओर रेडियस को ऋणात्मक और दाईं ओर रेडियस को धनात्मक। तो अब उभय अवतल लेंस में R1 बराबर हमें दिया है कि प्रत्येक रेडियस 40 सेमी है, तो R1 बराबर -40 सेमी और R2 बराबर ये धनात्मक का 40 सेमी होगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है अपवर्तनांक, क्रमशः 4/3। तो इसका दिया हुआ है 4/3। अब फोकस दूरी निकालेंगे इसकी। फोकस दूरी तो सूत्र होता है, सूत्र से लेंस मेकर सूत्र जो पहले भी बताया है, 1/F इजिकल टू n-1 1/R1 - 1/R2। यहाँ पे ये अपवर्तनांक लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको n1 से ले लेंगे, n1 इजिकल टू 4/3। तो इस सूत्र में लगाएंगे, ये मान रख लेंगे इस सूत्र में। तो 1/ इसकी फोकस दूरी f1 इजिकल टू n1 - 1 और 1/R1 का मान दिया हुआ है 40 सेमी, -40 -1/40। हम देखें 1/F1 अब n1 का मान रखेंगे 4/3। -1, अब यहाँ पे हमारा हर समान है, -1 - 1/40।
तो ये हुआ 1/f1 इजिकल टू 4 - 3/3 गुणे -2/40। तो 1/f1 इजिकल टू 4 में से 3 गए तो 1/3 गुणे -2 2/40। तो 1/f1 बराबर -2/40 120। तो f1 इजिकल टू -120, यह उल्टा हो जाएगा 120/2। तो 2 × 12 अतः फोकस दूरी f1 बराबर प्राप्त हुई हमें -60 सेमी। तो हमें प्राप्त हुआ उभय अवतल लेंस की फोकस दूरी f1 इजिकल टू 60 सेमी। अब देखें उभय उत्तल मतलब उत्तल लेंस में तो उभयोत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस। तो इसका पहला पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है। तो इसकी जो रेडियस होगी ये आर वन तो यह धनात्मक होगी और यह आर टू ये होगी यह ऋणात्मक होगी। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रतीक रेडियस 40 सेमी है, तब R1 बराबर 40 सेमी और R2 बराबर माइनस के 40 सेमी। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है अपवर्तनांक मान लेंगे n2 बराबर 3/2। अब इसकी फोकस दूरी निकालेंगे उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी, चाहे लिख लेंगे उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी तो इसे लेंस मेकर सूत्र से निकालेंगे फार्मूला हमारे पास होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। अब इस फार्मूला में इसकी मान रख लेंगे तो इसकी फोकस दूरी f2 बराबर n2 माइनस वन
वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। पिच यहाँ से पिच अब देखिए इसमें मान रखेंगे वन अपॉन एफ टू बराबर एन टू का मान तीन बटे दो माइनस वन और वन अपॉन आर वन का मान चालीस माइनस आर टू का मान भी चालीस। तो वन अपॉन एफ टू इजिकल टू तीन माइनस दो बटे दो इंटू, देखिए इसमें वन माइनस यहाँ पे आर टू बराबर माइनस चालीस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस वन अपॉन चालीस हर समान है तो वन अपॉन एफ टू इजिकल टू तीन में से दो बाई एक बचा एक बटे दो इंटू दो बटे चालीस। तो हमें प्राप्त हुआ एफ टू इजिकल टू दो बटे अस्सी। तो एफ टू इजिकल टू अस्सी अपॉन टू, तो एफ टू इजिकल टू दो चौका आठ अतः चालीस प्राप्त होगा। एफ टू बराबर चालीस सेमी। अब इन लेंसों को संयुक्त करके एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त लेंस किस प्रकार से बनेगा। ये संयुक्त लेंस बना, ये उत्तल अवतल लेंस है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि संयुक्त लेंस से कि सामने 45 सेमी पर एक वस्तु रखी हुई है तो U इजिकल टू हो जाएगा माइनस 45, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। अब लेंस की संयुक्त क्षमता निकालेंगे, लेंस की संयुक्त क्षमता संयुक्त फोकस दूरी निकालेंगे, क्षमता नहीं लेंस की संयुक्त फोकस दूरी। तो संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला पहले बता चुके हैं, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। तो वन अपॉन एफ बराबर हमारा एफ वन का मान माइनस साठ आया था तो उस मान को रख लेंगे साठ, और एफ टू का मान चालीस आया था धनात्मक में तो इस मान को रख लेंगे। तो वन अपॉन माइनस साठ प्लस वन अपॉन चालीस, वन अपॉन एफ इजिकल टू
इसका 40 का और 60 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120। तो 60 दूनी 120 और 40 तिया 120, तो ये आया 1/f बराबर 3/2 1/120। तो फोकस, संयुक्त तो फोकस दूरी हमें प्राप्त हुई 120 सेमी। अब लेंस के सूत्र से तो लेंस का सूत्र होता है 1/b। हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, स्थिति ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की। तो 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें मान रख लेंगे 1/b इजिकल टू f। संयुक्त फोकस दूरी हमें प्राप्त हुई 120 प्लस u बराबर दिया हुआ है -45। यहाँ पे संयुक्त लेंस के सामने वस्तु u बराबर -45। तो 1/b बराबर 1/120 और यहाँ ये माइनस आ जाएगा 1/45। तो 1/b इजिकल टू, इसका 120 और 45 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 360। और 12 120 तीन 360 होते हैं और 45 8 360 होते हैं। तो देखिए हमें रिसीव हुआ 1/v इजिकल टू, 8 में से 3 गए तो माइनस के 5/360। तो बी बराबर -360, इसे उलट देंगे 5। तो बी बराबर इसे 5 से काटेंगे तो 5 7 35 बचा 1, 5 2 10 72 बेहतर आया। तो बी बराबर -72 सेमी। अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा। माइनस का चिन्ह हमें यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के सामने वह वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु की ओर लेंस के सामने बनेगा, यही इसका आंसर रिसीव हुआ।